हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, ध्यान से सुनेंगे कि आप लोगों के लिए जो वैकेंसी है बहुत ही जल्द जारी होने वाली है। लगभग आप मान सकते हो जुलाई के अंदर आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिल सकती है। आज का सेशन जो रखने का है, मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य ये है कि बच्चा, अब डिसीजन आप लोगों को लेना है, स्टूडेंट को, कि हमें इसकी तैयारी करनी है, इसके लिए क्या योग्यता रहेगी, इसके लिए सिलेबस क्या रहेगा। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को डिस्कशन करने के लिए बात की। ध्यान से सुनेंगे, वैकेंसी ऐसा ना सोचे कि केवल फर्स्ट ग्रेड की आएगी, केवल सेकंड ग्रेड की आएगी या फिर आपके रिट की आएगी, सभी की वैकेंसी आएगी। ये तो आपको भी पता है, बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे, उनमें देखा होगा कि 50,000 के समथिंग पद भरे जाएंगे, ये तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब उन 50,000 में कौन से तो कितने तो रिट के होंगे, कितने सेकंड के होंगे, कितने फर्स्ट के होंगे, ये सारी बातें जब वैकेंसी आती है तब डिक्लेयर होता है। अब आपका काम है, क्योंकि वैकेंसी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि वैकेंसी आएगी, ये बात क्लियर है आप लोगों के सामने। किसी भी सिलेक्शन के लिए कई सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो डिसीजन, आप लोगों को अब ये तय करना है बच्चों कि हमें इसकी तैयारी करनी है, समझ रहे हो मेरी बात को? जब आप ये तय कर लो कि हमें फर्स्ट ग्रेड की करनी है या सेकंड ग्रेड की करनी है या थर्ड ग्रेड की करनी है, तो फिर उस पर वर्क करोगे आप लोगों को लक्ष्य फिक्स करना है। और सबसे पहला जो आपका अभी पता है क्या है लक्ष्य, अभी लक्ष्य है आपका वैकेंसी। जैसे ही वैकेंसी आएगी वैसे ही अपनी किताबें लोगे और कोचिंगें करना स्टार्ट कर दोगे, फिर वहाँ 9-10 घंटे कंटिन्यू आप पढ़ते रहोगे। आपका क्या रहेगा वो सुनिए, आप फिर क्या करोगे, जैसे ही वैकेंसी आई यहाँ से आप उठ करके आप कहाँ चले गए, जहाँ भी आप पढ़ते हो, जैसे जयपुर चले गए या कहीं भी चले गए, वहाँ जा करके आप कोचिंगें ज्वाइन कर ली, जीके की अलग कर ली आपने, सब्जेक्ट की अलग कर ली, 9-10 घंटे जो है वो आप कोचिंग वगैरह हो गए। उस समय आपका एक ही उद्देश्य रहेगा, बस सिलेबस पूरा करना, सिलेबस पूरा करना। तब तक जब तक सिलेबस आप पूरा करोगे तब तक वैकेंसी की डेट आ जाएगी कि भाई इस टाइम एग्ज़ाम है आपका, और फिर क्या होगा, आपके पास रिवीजन का समय नहीं बचता। आप भी जानते हो मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, या कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो आप, कि उसके अंदर आपको रिवीजन ज़रूरी है। यदि रिवीजन नहीं कर पा रहे हो आप, तो ये सोच लेना सिलेक्शन से बहुत दूर जा रहे हो। सिलेक्शन के लिए आप लोगों को आपके सिलेबस को लगभग वैकेंसी के 3-4 महीने पहले आपका कंप्लीट होना चाहिए, मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट होकर के फ्री हो जाओ आप। अब तो 3-4 महीने आपका काम रहे, सुबह उठे, लाइब्रेरी गए और पढ़े और वापस, कंटिन्यू ये रूटीन रहना चाहिए, इधर से उधर नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि उस समय तुम कोचिंगों में जा रहे हो, हाँ हो सकता है जैसे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो या कोई डाउट आ रहा है तो आप प्रॉब्लम पूछें। अब आपकी प्रॉब्लम सब कुछ आप क्लासों में ही सोल्व कर रहे हो, आपका सिलेबस हुआ नहीं और आप लोग दौड़ में लग रहे हो, तब सिलेक्शन नहीं होता। तो बहुत ही अच्छा टाइम है आपके पास, आज आप डिसीजन करें, क्योंकि जब कल के लिए सोचोगे तो फिर दूसरे दिन के लिए सोचोगे, तो आज ही आप डिसीजन कर लें कि हमें इस वैकेंसी की तैयारी हमें करनी है। जब हमें ये हमने डिसाइड कर लिया कि हमें करना किस वैकेंसी की तैयारी है, तो आप उस पर वर्क करोगे तो सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं होता कि आपका सिलेक्शन नहीं होता। 10 नेगेटिव पॉइंट के बाद किन बातों को ना सुने, केवल ये समझे कि हाँ हमें पढ़ना है, एग्ज़ाम देना है और उससे सिलेक्शन पाना है। मैंने आपको बताया योग्यता, एक पॉइंट डाल रखा है, तो उसके लिए देखो आपके पास एक तो रिट की वैकेंसी, एक आपके पास सेकंड ग्रेड की वैकेंसी, ये दोनों वैकेंसी के लिए क्या योग्यता है। देखिए रिट के अंदर दो लेवल है, आपको पता है, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल। फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल में, फर्स्ट लेवल जो है आपका वो एसटीसी वालों के लिए होता है और सेकंड लेवल जो है आपके बीएड वालों के लिए होता है। इसके लिए जो हम बात करेंगे, हम सेकंड लेवल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चों बताओ, एक तो आपको चाहिए बीए हो आपकी, चाहे बीएससी हो आपकी, हो सकता है जो भी हो आपकी, ठीक है। इसके साथ आपको प्लस होना चाहिए क्या, बीएड। ध्यान से सुन लीजिए, आपको
बीएससी बीएड या बीए बीएड आपके पास होनी चाहिए, तब आप रिट दोगे और सेकंड ग्रेड दोगे। अब इन दोनों वैकेंसियों में मैं आपको एक छोटी सी मदद ये कर रहा हूँ डिसीजन लेने में, उसको आपको अच्छा लगता है तो आप उसको यूज़ करना, नहीं तो मत करना। सबसे पहले तो उन बच्चों को जिन बच्चों ने रिट दी थी पहले वाली, उस रिट की जो एग्ज़ाम थी, उस रिट की एग्ज़ाम में यदि कोई बच्चा पॉइंट नंबर से रहा, एक नंबर से रह रहा है या दो से रह रहा है, तो उसका एक ही उद्देश्य होना चाहिए अब भी रिट ही, यदि उसे सिलेक्शन की दौड़ में चलना है तो। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट यही होता है कि आपकी जो तैयारी है वो पहले से पूरी तरीके से, अब आपको क्या करना है उसी पे आगे बढ़ना है, उसी पे फोकस करना है, तो आपकी तैयारी बहुत ही बेस्ट हो पाएगी। अब क्या होता है, जितनी आपने तैयारी की कंप्लीट, उसको तो साइड में रख दिया और नई वैकेंसी पर आ गए। अब वही जीरो से चलोगे। आप सोचो जो पहले से कर रहा है, जो एक दो नंबर से रहा सेकंड ग्रेड में और वही दोबारा कर रहा है, तो आप खुद सोच सकते हो नॉलेज में कितनी दूरी हो जाएगी। तो पहली चीज़ तो मेरा सजेशन तो यही है, जो बहुत ही कम नंबर से रहा है, दूर दूर तक नहीं, बहुत कम नंबर से रहा है, वो किसकी करें, रिट की करें। जो बच्चा सेकंड ग्रेड की बात कर रहा है, ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए, मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूँ, पेपर दिया था आपने सब्जेक्ट का या जीके का, जो भी पेपर था आपका, दो पेपर होते हैं इसके अंदर, पहला और दूसरा। आप लोग ध्यान दें, इस वैकेंसी के अंदर घबराने की बात नहीं है। पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन चीज़ों को क्यों देखते हो आप कंटिन्यू, उससे पहले वाले पेपर उठा के देखिए, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन आने की प्रवृत्ति कैसी है। पूरे पेपर में दो तीन क्वेश्चन मान लो हाई लेवल पर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप लोग नहीं कर पाओगे, नहीं ऐसा नहीं होता। आप सेकेंड ग्रेड की बात करूं मैं, तो जिन बच्चों को सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट है, जिन्होंने ग्रेजुएशन ढंग से की है, उन्हें सब्जेक्ट आता है, तो उन्हें सेकेंड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इनकी वैकेंसी ज़्यादा आएगी। आप लोग समझदार हो, क्योंकि पिछली वैकेंसी में भी खाली रह गई सीटें। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसा था कि पहला पेपर और दूसरा पेपर दोनों में मिनिमम 40% आपको लाने थे। आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छा काम है कि दोनों को मिला के 40% लाने हैं हमको, तो इस बात पर फोकस करें आप लोग। इसके लिए मैं आपको बता दूं, चाहे ये इसके लिए जो है आपको पता, डिग्री क्या चाहिए, बीएससी साथ में या बीए, और क्या चाहिए बच्चों, बीएड, ये दोनों चीज़ होनी चाहिए, तब जाकर के वो क्या करेगा आपका एग्ज़ाम दे, आप तैयारी कर पाओगे। हाँ, जिनका बीएड लास्ट ईयर चल रहा है, फोर्थ ईयर में है, तो उनका भी लगभग कंप्लीट सा हो जाएगा, तो वो भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, वो आप जानते हो कि आपका रिजल्ट आना चाहिए, वो आप समझदार हो। यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी फर्स्ट ग्रेड की। फर्स्ट ग्रेड के अंदर आप लोगों को पीजी चाहिए, अर्थात मास्टर डिग्री चाहिए, जिसे स्ना, देखो स्ना जो पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए आपको। साथ में इसी के अंदर क्या है आपको, बीएससी और फिर बीएड, और इन तीन डिग्रियों के साथ होंगे तो ही आप क्या दोगे, फर्स्ट ग्रेड दोगे। समझ रहे हो आप मेरी बात को, ध्यान से सुन लीजिए। जो वैकेंसी है आपकी, बीएससी होनी चाहिए, एमएससी होनी चाहिए, और आपकी क्या होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए। इन तीनों वैकेंसियों मतलब तीनों डिग्रियों के साथ ही आप क्या दे पाओगे, फर्स्ट ग्रेड दे पाओगे, ये बात याद रखें। तो फर्स्ट ग्रेड के लिए क्वालिफिकेशन क्या हो गई भाई, फर्स्ट ग्रेड के लिए हो गई एक तो बीएससी, एक क्या हो गया बीएड, और एक क्या हो गया एमएससी। इसमें कोई परसेंटेज नहीं दे रखी, इंडिकेट नहीं कर रखी कि इतनी परसेंटेज चाहिए, हमें मास्टर डिग्री चाहिए ओनली। समझ रहे हो मेरी बात को, तो आप फर्स्ट ग्रेड दे पाओगे। अब जिन बच्चों ने पीजी कर रखा है तो वो तो गारंटेड है, क्योंकि वो अपने दिमाग में सोच सकते हैं कि वो एलिजिबल है फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के लिए, तो वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए मेरी ड्राई में कुछ बुकें, इसके अंदर कुछ बुक बहुत बेस्ट हैं, और जिसके लिए जिससे आप अच्छे से सिलेक्शन पा सकते हो। यदि तरीके से आप नोट्स देखो, किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स उठा लो, ये जो मैं बुक आपको बता रहा हूँ, इन बुकों को साथ ले लो, आपको लग जाएगा कि इन बुकों की कितनी हेल्प ली जाती है और आप लोगों के लिए कितनी यूजफुल है ये बुक। देखिए आप लोग, यहाँ पर मैं सेकंड ग्रेड की बात करूँ,
देखिए, सबसे पहले आपका जो नाइन्थ और टेंथ का जो सिलेबस है, नाइन्थ और टेंथ का जो सिलेबस है सुन लो, उसमें जो आपके टॉपिक है, जैसे आप हम सेकंड ग्रेड में बात करें तो जैसे आपका ज्योमेट्री वाला है, साथ में क्या है नंबर सिस्टम है, मेंसुरेशन है, ये टॉपिक जो है आपको नाइन टेंथ के हैं, और नाइन टेंथ के जो टॉपिक है उसे आपको पढ़ना है किससे, वो है या तो आप माथुरिया की बुक ले लो या फिर आर एस अग्रवाल की ले लो, वो डिपेंड करता है आप कौन सी बुक लेते हो। आप बहुत सारे कंपटीशन की तैयारी करते हो, यदि किसी ने एसएससी की है और की है तो आपको नाइन टेंथ की बुक लेकर के नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है उसको कॉम्पिटेटिव लेवल पर, समझ रहे हो मेरी बात को, तो आपका क्वेश्चन कहीं नहीं रहेगा, आराम से हो जाएगा। तो आप क्या पढ़ोगे यहाँ पर, आप यहाँ पर पढ़ोगे कोई सी भी बुक उठा लेना नाइन टेंथ के लिए, और ये तीन चार जो टॉपिक है अपने नाइन टेंथ के वो इससे आप कवर करोगे। दूसरा, आप लोगों को बच्चों यहाँ पर ध्यान से सुनो, इलेवंथ और ट्वेल्थ की बात हो रही है, ट्वेल्थ की बात हो रही है बच्चों, इलेवंथ ट्वेल्थ की जो बुक है वो आपको एसआर सैनी को ही कवर करना है, ये बात आप ध्यान देना। और ये एसआर सैनी जो आती है वो जेपीएच की बुक आती है, ध्यान रखना जेपीएच पब्लिकेशन की आती है, जो आप ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी में लगभग आपको पता है जेपीएस पढ़ते हो, ये एसआर सैनी की जो बुक है बहुत ही अच्छी बुक है, इसी से आपका क्वेश्चन आराम से कवर हो जाएगा। दूसरा, मैं आप बता दूं यहाँ पर ग्रेजुएशन की बात करूँ मैं, तो ग्रेजुएशन के लिए आप लोगों के पास जेपीएस की बुक होनी चाहिए जो आपने पढ़ी है, जो बुक आपने पढ़ी है जब आपने बीएससी किया था या बीए किया, मतलब बीए का अलग है, बीएससी किया था उस समय आपने जो पढ़ी थी सब्जेक्ट की बुक जेपीएच की, वो आपको पढ़नी है। यदि इसके साथ एक बुक और कवर कर लगा लो आप नवकार पब्लिकेशन की, तो आप ये सोच के चल लो कि आपको 100% पूरे के पूरे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, सब कुछ कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता 500 क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो और आपका सिलेक्शन होगा, नहीं, जो सटीक पढ़ेगा उसका भी सिलेक्शन होगा। तो ये तो बेस्ट किताबें हैं जिनकी मदद से आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा, काफ़ी आप तैयारी कर सकते हो, जो सेल्फ पढ़ रहे हैं वो बच्चे भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। और एक और बात, ये तो आप लोगों के पास मैंने बुक बोला, योग्यता बताई कि कब आप फर्स्ट ग्रेड दे सकते हो, कब सेकेंड ग्रेड दे सकते हो, अब मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ, वो सुन लीजिए। आपके मन में ये डिसाइड कर लो कि मुझे इस लक्ष्य को पाना है, किसी के कहने से आप डिसाइड मत करो, क्योंकि तैयारी आपको करनी है, किसी और को नहीं करनी। तो आप सबसे पहले ये डिसाइड करें कि मुझे ये वैकेंसी देनी है, फिर कुछ मत सुनो, केवल उस वैकेंसी के प्रति चलो। आज जुलाई आने से पहले आपको ये डिसीजन करना पड़ेगा कि मुझे इस वैकेंसी की तैयारी करनी है, और जब आपका डिसीजन हो जाए उसके बाद आप उसमें लग जाइए तैयारी में, फिर कुछ नहीं दिखना चाहिए, केवल आपको तैयारी होनी चाहिए आपकी, तभी सिलेक्शन होता है, ध्यान रखना। चाहे आप किसी भी फील्ड में कोई भी काम कर रहे हो, पहले पहला उद्देश्य ये रख दो कि हमें वैकेंसी देनी है और हमें सिलेक्शन पाना है। यदि ऐसा रख दिया तो आपका सिलेक्शन होता है, ऐसा नहीं है कि 10 काम आप कर रहे हो और आप फिर पढ़ाई भी कर रहे हो तो पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है सिलेक्शन की, ये बहुत कम चांसेस हो जाते हैं, समझ रहे हो इन चीज़ों को, थोड़ा सा गौर करना मेरी बातों को, मैं केवल आपको यही सजेशन दे रहा हूँ कि आप डिसाइड कर लीजिए, और आप भ्रमित ना हो। कभी आपको कहा जाता है, जैसे कई बार YouTube पर आपको लगता है कि थंबनेल बना हुआ होता है कि हाँ वैकेंसी जारी, वैकेंसी कब, कहने का मतलब आप लोग समझ सकते हो इस बात को, वैकेंसी जो है वो आपकी अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, बस केवल संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, तो हाँ चांस 100% लग रहा है कि वो जुलाई में आपको मिल जाए देखने को। तो आप लोगों को तो केवल यही चलना है कि हमें अब डिसाइड करना है और उस पर तैयारी करनी है। वैकेंसी आ जाएगी, वैकेंसी कहीं नहीं जाने वाली, वैकेंसी 100% आएगी, ठीक है। और एक और चीज़ ये भी फिक्स कर लो, भाई इस टीचर से हमको पढ़ना है और उसकी क्लासेस लेना, उसके नोट्स वगैरह पढ़ना, ये सारी चीज़ें तैयार करना चालू कर दो। मेरे चैनल पर आपको फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे, आप बने रहोगे तो आपको बेनिफिट होगा, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स की चीज़ें ही पढ़ाई जाएगी, कोई नई तो नहीं पढ़ाई जाएगी। हाँ, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड लेवल के वीडियो आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे और उसका कोई चार्ज नहीं होगा। हाँ, कंप्लीट कोर्स के लिए हो सकता है वो ऐप पर हो सकता है यहाँ पर हो,
ठीक है। अब ये सब आप लोगों के सपोर्ट पर काम करता है, मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूँ, आप लोगों का जैसा सपोर्ट होगा वैसा। क्योंकि आप बताइए, आप कब वर्क कर रहे हो जब वैकेंसी आपके सामने है, अभी तक तो नहीं आई, लेकिन जब वैकेंसी आ जाती है, जिस दिन ये कह दिया जाता है कि फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया, उस दिन देखो आपके मूड में क्या होता है, दिमाग बिल्कुल खुल के यही होता है कि तैयारी करनी है, चालू हो जाते हो। गाँव में रहते हो तो गाँव से उठ करके आ जाते हो, रूम लेकर के लाइब्रेरी जाने लग जाते हो। वैसे ही यहाँ है, आप लोगों का जितना सपोर्ट होगा, आप लोगों की जितनी डिमांड होगी, उतनी ज़्यादा क्लासें आएगी। यदि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड रही तो ये समझ सकते हो कि आप लोगों को बहुत सारी क्लासेज मिलेगी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड। बाकी ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है वो ऐप पर कंटिन्यू 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। जो आपका ऐप मतलब मैथ्स बाई एमके जैन सर के नाम से जो ऐप है, उसी पे आपको ग्रेजुएशन का पूरा कंप्लीट बीएससी का कोर्स आपको मिलेगा, ठीक है। 11th 12th भी स्टार्ट है। अब बस शर्त है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की बात है, तो वो आपको यूट्यूब पे तभी मिलेगा जब आपकी रिक्वायरमेंट होगी। हाँ, यदि चैनल पर आप बने रहोगे तो चैनल पर जो चीज़ें मिलेगी आपको वो आपकी यूजफुल रहेगी, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट करें, और साथ में यदि वीडियो और मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो और मेरे बताए हुए सजेशन पर आपका दिमाग में थोड़ा सा थिंकिंग आई है कि हाँ सर ठीक कह रहे हैं, तो कमेंट ज़रूर करें, और साथ में जितने भी आपके साथी हैं उनको शेयर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की डिमांड होनी चाहिए, तो मुझे लगेगा कि हाँ मैं आप लोगों के लिए वर्क करूं, मैं आप लोगों के लिए क्लासेस अवेलेबल करवाऊं। हो सकता है कि मैं आपका बेस थोड़ा सा सही कर पाऊं। आप तैयारी जहाँ जहाँ कर रहे हो, क्योंकि बड़े लेवल पे जब 500 बच्चे बैठे हुए हैं तो कई पॉइंट ऐसे होते हैं जो आप डाउट क्लियर नहीं कर पाऊँ, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें आपको क्लियर करवा पाऊँ, ठीक है। अनुभव ऐसा नहीं होता कि पहली बार है, काफ़ी चीज़ें आप वीडियो देखिए, क्लास देखिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए। सेकंड ग्रेड की भी मैंने कुछ क्लासेस आपके लोगों को डाल रखी है, ठीक है भाई। आज के लिए इन्फॉर्मेशन यही थी कि आप डिसीजन ले लीजिए, हमें ये करना है, ठीक है भाई। थैंक यू आज के लिए, और खुश रहो, तैयारी कीजिए।